एक और एक और एक और एक और एक और। बानो बाजी दरवाजा खोले। बानो बाजी। हाँ जी, अब लगानी है शर्त? लगानी है, ये वाला पक्का आखिरी है। हर बार आप यही कहती हैं और शर्त हार जाती हैं। आपको पता है ना, हर दूसरे साल उनका बच्चा हो जाता है। इस बार नहीं होगा। क्यों? बेटा जो हुआ इस बार। अच्छा, लेकिन हार जाएंगी, मुझे पूरा यकीन है। क्या लेना है? कोल्ड ड्रिंक क्या ले लो। अच्छा भाई, यार एक डेल्टा दे दो। ये तो हम छह बहने खत्म कर देंगे। पांच दिन से? दो साल हो गए हमारी शादी को, तुम्हें अभी तक याद नहीं हुआ? मौका मिले तो याद करो ना, जब जाओ उनकी गोद में नया बच्चा होता है। छह ही तो है और अब सात हुआ। मैं, शुमाइला, किरण, खुशी, सना। ये पांच है। मैं, शुमाइला, किरण, खुशी, सना। अच्छा दो डेढ़ कर। नहीं नहीं, तुम्हारे अम्मा अब्बा है, मेरे अम्मा अब्बा है, कामरान है, बानो बाजी है, ज्यादा करो। तीन कर दो रिलेटिव। ऐसे तुम्हारे अम्मा अब्बा इतनी तैयारी क्यों कर रहे थे? सालों की कोशिश के बाद आखिरकार बेटा जो हुआ है। अम्मा अब्बा बहुत खुश हैं इस बार। और तुम्हारा मुंह क्यों खुला? कुछ नहीं, आपको तो पता है यहाँ बच्चा पैदा होता नहीं, वहाँ आपकी अम्मा के तानों की मशीन चल पड़ती है। आज भी जरूर कुछ बोलेंगे वो मुझे। अब ऐसा भी नहीं है, तुम फजूल में सर पे ले लेते हो अम्मा की बातें। चलो। सीमा, याद आ गई, छठी बहन। दावत पे आने वालों से गुजारिश है कि तोहफे ना लाए, नकद लाए और कामरान को जमा करवाए। अब ब्रेक लगा दो फजल भाई, बाइक पे और जगह नहीं है बच्चों की। बच्चे तो अल्लाह की देन होते हैं, इसमें फजल भाई क्या कर सकते हैं? हाँ, जो करता है वही ना करे तो काफी है। आ गया मुन्ना। पता नहीं इसके कब आएगा। जब तुम अपना मुंह बंद करोगी तब। आ जाओ। अरे शोर मत करो, क्या लगा रखा है? इतने बच्चे के आते चुटकी बजाते चुप करा देना चाहिए। आपके भी उतने, खुद कर लेते। हाँ, पहला बेटा है ना, लड़के बहुत तंग करते हैं। मुझसे पूछो, दो दो पाले मैंने, मगर है बहुत प्यारा। नाम क्या रखा है? बरकत। इसके आने से बरकत हो जाएगी ना। खुशी के आने से तो खुशी आई नहीं। चल हट यहाँ से। इस हिसाब से तो इसका नाम पैसे रख देते, घर में बहुत से पैसे आ जाते। अरे नालायक, कितना खाएगा? चल खड़ा हो तस्वीर के सबकी, ये ले। अरे भाई, देख ले, सब आने चाहिए। चलो फजल, लाइट वाले को तो फोन करो, ये कोई वक्त है लाइट जाने का? अभी 8:20 ही तो हुए। अरे कर रहा हूं ना। अरे तस्वीर भी खराब कर दोगे इस कमबख्त लाइट ने। अभी तस्वीर तो सही आई है। है? दिखाता हूं आपको। तुम वो जाके जेंटर वाले को चेक करो, क्या हुआ उसका? कर तो रहा था, मैं देख के आता हूं। देखो। सीमा नहीं है फोटो में, दिखाना। सीमा कहां है? अरे होगी यहीं कहीं, परेशान नहीं हो। सीमा, सीमा। अरे बाहर ही होगी कहीं। शुक्र है। मैंने शाम को उससे रोते हुए बाहर जाते हुए देखा था, उस वक्त से वापस नहीं आई अभी तक। खेल रही होगी बाहर, खेलने दो। मैं आपकी बेटी सीमा की बात कर रही हूँ। अरे तो बाहर खेल रही होगी ना भाई, इधर उधर निकल जाती है, लाइट आएगी तो जाके देख लूंगा।
अम्मा पानी तो पिला दो। राबिया इस जवानी में हाय हाय कर, अभी बरकत को भाई भी तो चाहिए। पिछले 20 साल से कोशिश कर रही थी कुरत के भाई के लिए, अब इसको भी भाई चाहिए। अरे कमबख्त तो उठा दिया ना भाई को शोर करके, नहीं मुश्किल से सोया था। क्या भाई बच्चे भी कितना शोर करते रहते हैं। अरे फजल भाई बच्चे तो शोर करेंगे ही ना, आइए आप बैठिए। इतने बच्चे, इतने बच्चों के बाद ना मुश्किलात भी बढ़ जाती हैं। फजल भाई अल्लाह पे भरोसा रखें। अल्लाह पर तो भरोसा है रहीम भाई, लेकिन अल्लाह भी कहता है अपनी मदद आप करो। हाँ वो तो ठीक है, तो आप करो ना। हा? आप मदद करोगे ना? आपकी प्लेट तो बिल्कुल ही खाली है, आप लो ना। आपको पता है जब खुशी पैदा हुई थी तो डायपर 400 रुपए का था, अभी बरकत के टाइम पे 900 का हो गया, कल जब दूसरा बच्चा आएगा तो काफी है, काफी है, काफी है। आपके दादा ने वैसे फैक्ट्री लगा के बहुत अच्छा काम किया था। हाँ बस वो ठीक ठाक चल रही है। वैसे तो आप हमारे यहाँ पर वाहिद रिश्तेदार है, लेकिन मैं आपसे कोई एहसान नहीं मांग रहा हूँ, बस थोड़ा सा उधार चाहिए, बाकी इज्जत रिस्क देने वाला तो अल्लाह की जात है। नहीं फजल भाई वैसे तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपको तो पता है ना फीसें कितनी बढ़ गई हैं अब स्कूल की, और इसके आईटी के कॉलेज का इतना खर्चा है। तुम क्या मांग रहे थे कॉलेज के लिए? वो आईफोन। आईफोन कहाँ से आ गया, कुछ और कह रहे थे तुम। अच्छा हाँ प्लॉट। नहीं नहीं आईफोन 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 आपको पता है ना कि कितनी महंगी चीज है। तो अरे सीमा तुम यहाँ बैठी हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। किसी ने कुछ कहा है? नहीं। डांटा है किसी ने? फिर? कुछ नहीं। वह सब तुम्हारे घर में खुशियाँ मना रहे हो, तुम यहाँ बैठी हुई रो रही हो। हाँ चलो आओ चलो। मुझे चलो। नहीं जाना। क्यों? बस नहीं जाना कभी भी। कभी भी नहीं जाना, यहीं पर रहना है। मुझे नहीं पता। चलो तो चले, सब वहाँ पे परेशान हो रहे तुम्हारे लिए। चलो झूठ बोल रहे हैं आप, वहाँ कोई प्यार नहीं करता मुझे। ये किसने कहा तुमसे? वहाँ तुम्हारी अम्मी है, अब्बू हैं, बहनें हैं, और अब तो छोटा सा भाई भी है। चलो फैमिली से ज़्यादा कोई प्यार नहीं करता बेटा। प्यार करते तो ऐसा ना करते। कैसा? सारे सिर्फ खुशी को प्यार करते हैं, बात भी नहीं करता कोई, बस डांट देता और होमवर्क में मदद नहीं कराते। अभी नया बेबी आ गया, सब इसे प्यार करेंगे। अब नया बेबी आता है तो उसे प्यार तो करते हैं ना सब, जब तुम भी बेबी थी तुमको बहुत प्यार करते थे। नहीं जब मैं बेबी थी तब भी कोई प्यार नहीं करता था मुझे, अब ये बेबी आ गया सब इसे प्यार करेंगे, और इसके बाद फिर से कोई बेबी आ जाएगा। अब नहीं आएगा कोई बेबी। आपको कैसे पता? मैं सबको समझाऊंगी। मुझे नहीं जाना, बस मेरा दिल कर रहा है मैं भाग जाऊं। जब मैं भी अपनी फैमिली के साथ थी ना, मेरा भी दिल करता था कि मैं भाग जाऊं कहीं, मगर उनसे दूर होके उनके प्यार का एहसास होता है। फैमिली जैसी भी हो उनसे ज़्यादा ख्याल और प्यार कोई नहीं करता आपसे। चलो आओ चले, देखना सब कितना खुश हो जाएंगे तुम्हें देख के। चले मिली, सब सो गए। मैंने कहा था ना। It's okay.
चल तुम भी सो जाओ बेटा।